बिहार है क्यों पीछे, सदियों से किसने रखा इसको पीछे, दरभंगा वासी जरूर पहुंचे दरभंगा पोलो मैदान के सामने, जो नया ऑडिटोरियम बना है वहां जान सकेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। तो जानिए इस प्रेस वार्ता के जरिए दरभंगा वासियों को दिया जा रहा है निमंत्रण कल 4 तारीख को दोपहर 12 बजे ऑडिटोरियम में। विभाग के तत्वाधान में हम लोग, यह हमारा यह विभाग का 12वां श्रृंखला का यह 12वीं कड़ी आपके यहाँ हम लोग आए और पूरे बिहार में हम लोग घूमने का काम कर रहे हैं। मैं चाहता था कि मैं बोलते जाता और आप चाहते तो उसको ले लेते और उसके बाद क्वेश्चन आंसर में हमसे जो पूछना होता पूछ लेते। अब क्या बोल के कीजिए ना, हाँ बोल ही रहे हैं और सबको बुला के हम ये पूछना चाहते हैं कि आप ये तो बताइए कि भाई 2025 में आप चुनाव लड़ेंगे बिहार को बनाने का, तो आपके पास क्या परिकल्पना है बिहार को बनाने का, कैसा बिहार आप बनाना चाहते हैं? हमें ये बताइए कि क्या बिहार इसी तरह से इसी दुर्गति को भोगता रहेगा या कोई सोच भी आपकी है? क्योंकि हम विश्वास नहीं कर रहे हैं वैसे लोगों पर, हमें ऐसा लगता है, विभाग के लोगों को ऐसा लगता है और सारी दुनिया में जिन लोगों के साथ विभाग का संपर्क है अभी, तमाम बुद्धिजीवियों का यह मानना है कि अभी राजनीति बिहार के लोगों के लिए जो लोग सत्ता में जा रहे हैं राजनीति संपत्ति कमाने का साधन रह गया। मैं और विभाग के सारे साथियों की तरफ से इस कड़ी में अभी श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी को हम लोगों ने बुलाया है। राजीव प्रताप रूढ़ी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाजपा के और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी, AN कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं, बड़े कुशल वक्ता भी हैं और बड़े तीक्ष्ण अधिवक्ता भी हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, सारी दुनिया में तमाम सांसदों से तमाम नेताओं से उनको अलग करती है, वो पायलट भी, वो हवाई जहाज भी उड़ाते हैं। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में उनका रिकॉर्ड है, उनका नाम लिखा हुआ है। राजीव प्रताप रूढ़ी जी को जब हम लोगों ने कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने कहा हम आएंगे, हम आके आपसे आप लोगों के तमाम प्रश्नों का समाधान तो करें न करें लेकिन प्रश्नों में उठाने में सहयोग करें। दोस्तों, हम सारे लोगों से यह अपील करना चाहते हैं, आप सारे लोगों से, कि लड़ाई बिहार की है, लड़ाई किसी जाति पाति संप्रदाय या अगड़ा पिछड़ा की नहीं है। आप अगर हमें मदद करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से बिहार की तकदीर संवर जाएगी, वरना आने वाली पीढ़ी हम सब लोगों को माफ नहीं करेगी। मैं चाहूंगा शंकर झा आजाद जी, आप सवाल है, आपने ठीक कहा, हमारा ये है कि देखिए इसी व्यवस्था में से हम लोग रास्ता भी निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक सवाल तो खड़ा करना चाहिए। आज राजनीतिक दल क्या करते हैं भाई, अगर राजनेता आपके दरवाजे पे आते हैं तो वो जाति का नाम लेता है, वर्ग का नाम लेता है, क्षेत्र का नाम लेता है, आगे का नाम लेगा, पीछे का नाम लेगा, धर्म का नाम लेगा, डेवलपमेंट की चर्चा कब होगी? आखिर हम तुलनात्मक रूप से जब अध्ययन नहीं करेंगे और तुलनात्मक रूप से चर्चा नहीं करेंगे, आखिर हरियाणा हमसे आगे क्यों जा रहा? आप किसको मानते हैं दोषी जो बिहार का विकास नहीं होता है, अच्छा पीछे है? बिहार में अब तक जिन लोगों ने सत्ता की व्यवस्था पर अपनी कायम रखी है वो सारे लोग कहीं न कहीं इसमें दोषी हैं और बिहार को जो एक पहचान मिलनी चाहिए थी, बिहार को जो एक डेवलपमेंट में मुकाम मिलनी चाहिए थी, उससे बिहार वंचित है। दोषी कौन किसे मानते हैं? बिहार में जो अब तक सत्ता में रहे वो सारे लोग दोषी हैं। वो तो बीजेपी से आते हैं, दोषी हैं। आप भी, हमारा सवाल तो अलग है, एक मिनट, आप भी दोषी। उन्होंने 25 का सवाल पूछा, संघीय ढांचा है आपका देश का, संविधान कहता संघीय ढांचा है, संघीय ढांचा में स्टेट पावरफुल होता है, बिना स्टेट के चाहे स्टेट का विकास नहीं हो सकता, केंद्र कितना चाहे, ठीक है ना? वो तो गठबंधन भी रह चुकी है ना बिहार में, और वही बोल रहे हैं मिथिला राज के लिए, वो भी तो हल्ला किए थे, विशेष राज का भी दर्जा का मांग किया था उन्होंने, मांग कर रहा, ठीक है मांग कर रहा है। संघीय ढांचा में जब तक बिहार को ताकतवर नहीं बनाया जाएगा तब तक बिहार के समस्याओं का निदान नहीं होगा, तो बिहार को ताकतवर कैसे बनाया जाए, किन सब्जेक्टों में बनाया जाए, उस सवाल पर हम लोग कल बात करेंगे।